स्वागत है दोस्तों बड़ खजाने के इस नए एपिसोड में। दोस्तों भावनगर के अंदर एक और सेटअप विजिट करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक राहुल भाई का और मनसुख दादा का सेटअप विजिट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। भावनगर के अंदर बहुत कुछ आज आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। बहुत सारी महंगी महंगी चीज आपको देखने को मिलने वाली है। मैं पोकाटेल दोस्तों यहाँ पे आज आपको एक अलग सी जो कि पूरे गुजरात के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों। देखने को शायद पूरे गुजरात के अंदर कहीं भी यह कोकाटेल अवेलेबल नहीं है। अभी सिर्फ एक या दो लोगों के पास ही शायद होगा दोस्तों। मैंने भी पहली बार यह कोकाटेल देखा है, जिसकी प्राइस तकरीबन दोस्तों 40,000 मिनिमम एक पेयर की, जो अफ्रीकन ग्रे सिंगल पीस दोस्तों, जो कि 40,000 के करीब प्राइस है दोस्तों। सिंगल की 40,000 रुपए, जो कि पेयर 80,000 के तकरीबन 80,000 रुपए की पेयर मिलती है, जो कि अफ्रीकन ग्रे की प्राइस के हिसाब से, जो कि अगर कोई अच्छा अफ्रीकन ग्रे आप हैंड टाइम लेने जाओगे तो 70,000 से 80,000 रुपए में अफ्रीकन ग्रे भी मिल जाता है, जिस प्राइस में आपको आज कोकाटेल देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो चैनल पे बने रहिएगा, और चैनल पर कोई नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले राहुल भाई के साथ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। आइए राहुल भाई, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए जी। दोस्तों ये है राहुल भाई। तो यहाँ पे एक राहुल भाई का दोस्तों फिंच का सबसे पहले हम सेटअप विजिट करने के लिए आए हैं, जो कि आपको बहुत कुछ सेल के लिए भी, अभी सेल के लिए ही है ना फिंचेस? हाँ, सब कुछ सेल के लिए, सब कुछ, सभी फिंचेस दोस्तों सेल के लिए अवेलेबल है। आपका नंबर एक बार बता दीजिए राहुल भाई। 9374747661। गुजराती में भी एक बार बता दीजिए। 9374747661। तो दोस्तों इस नंबर पे राहुल भाई को कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप, और फिंचेस आपको दिखाऊंगा। कितनी पेयर है अभी आपके पास फिंचेस? अभी गिनती तो नहीं की है, पर 30 पेयर के आसपास होगी। 30 पेयर के आसपास। फुल ऑरेंज है, हाफ ऑरेंज है, 3B है, कस्टर्ड है, 2B है, सब कुछ है, बंगाली भी है, जंबो जी। दोस्तों सभी म्यूटेशन के फिंचेस आप आज आपको देखने को मिलेगी, और सभी सेल के लिए अवेलेबल है दोस्तों। तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो राहुल भाई को। तो चलिए दिखाते हैं दोस्तों पूरा कॉलोनी में। अभी हम आ चुके हैं फिंचेस की, तो दिखाते हैं आपको ये पूरी कॉलोनी। चलिए तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये फिंचेस का कॉलोनी आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर हाफ ऑरेंज है और 2B की पूरी कॉलोनी है ये। क्रॉस से कुछ दिखाते हैं आपको, ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी चेक करते हैं दोस्तों। पहले आप सभी फिंचेस देख सकते हो। ये सभी दोस्तों सेल के लिए अवेलेबल है, कोई खरीदना चाहता तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो राहुल भाई को। देखिए पूरा सेटअप है दोस्तों, पूरी कॉलोनी है फिंचेस की। यहाँ पे कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस है तो आपको दिखाते हैं। देखिए इसके अंदर दो अंडे रखे हुए हैं, बाकी कुछ दिखाते हैं। बहुत सारी मटकियां है इसके अंदर, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे दोस्तों चला गया। हाँ अंडे है दोस्तों, देख सकते हो 3 से 4 अंडे, 3 शायद अंडे रखे हुए हैं। और यहाँ भी देख सकते हो, ऐसे देख लेते हैं मटकी थोड़ी सी। देखिए यहाँ भी 3 अंडे रखे हुए हैं, सभी ब्रीडिंग पेयर है। और यहाँ भी देखते हैं हम, तो इसके अंदर देख सकते हो कुछ 3 से 4 से 5 बच्चे मुझे शायद दिख रहे हैं। और फीडिंग देख सकते हो दोस्तों, कितने ही ज्यादा फीडिंग करवाई है बच्चे को। और यहाँ भी फीमेल अंडे लेके बैठी है, देखिए दोस्तों। तो फीमेल उठ के निकल चुके हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
थोड़ा सा अंदर देखिए, अंडे है यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा लुक। चलिए कुछ दिखाते हैं और, तो यहाँ भी थोड़े से कोने में है अंदर दोस्तों, शायद आपको दिख रहा होगा तो नहीं। चलिए चलिए आगे दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पे बच्चे हैं दोस्तों देख सकते हो, और 3 से 4 बच्चे हैं। और यहाँ पे चेक करें दोस्तों तो यहाँ भी 2 अंडे हैं, आगे भी यहाँ भी है दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुछ 3 से 4 बच्चे हैं दोस्तों। तो यह है पूरी दोस्तों कॉलोनी फिंचेस की। कौन कौन सी फिंचेस है इसके अंदर राहुल भाई? आप ऑरेंज है, टूबी है, टूबी कस्टर्ड है, और 2-3 चंबो है, सब 2-3 साइज नॉर्मल होगी, दूसरी न्यूट्रिशन है सब। तो ये सभी सेल के लिए दोस्तों अवेलेबल है, कोई खरीदना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकते हो राहुल भाई का। राहुल भाई नंबर एक बार फिर से बता दीजिए। 9-94-74-76। तो दोस्तों इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे भी देख सकते हो जो बच्चे नेस्ट आउट हो चुके होके बाहर निकले हुए हैं, देखिए ये सभी बच्चे नेस्ट आउट से। दोस्तों देखिए हम आपको पकड़ के दिखा रहे हैं, ये कौन से है, ये जो है राहुल भाई बताइए कौन सी है ये आपने जो हाथ में पकड़ी है? ये टूबी क्रस्टर्ड है। टूबी क्रस्टर्ड कैसे पहचानी जाती है टूबी क्रस्टर्ड? ये पूछ में है ना, जिब्रा क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए का, पूरी व्हाइट होनी चाहिए, पूरी ब्लैक होनी चाहिए। जिब्रा क्रॉसिंग आती है ना वो नॉर्मल में आ जाती है, और ऐसी है ना वो टूबी में आ जाती है। अच्छा, प्लेन रहनी चाहिए, देख सकते हो दोस्तों। चलिए दूसरी दिखाते हैं दोस्तों आपको, ये ब्लैक चीक है। ब्लैक चीक जैसे जिब्रा क्रॉसिंग होती है ना, नॉर्मल ब्लैक चीक हो या ना हो उसमें नॉर्मल में आ जाती है, और ऐसी जिब्रा क्रॉसिंग नहीं हो और ऐसी हो तो ये टूबी में आ जाती है। अच्छा देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों दूसरी कॉलोनी में चलते हैं अभी हम। फ्रेंड्स अभी जो आपने टूबी देखा उसका फुल फॉर्म है ब्लैक चीक ब्लैक ब्रेस्ट, क्योंकि वो दो बर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है, दो ब्लैक चिक के कॉम्बिनेशन से बना होता है, तो उसमें जो अलग कलर का निकल जो बच्चा निकलता है वो कहलाता है ब्लैक चिक ब्लैक ब्रेस्ट, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में 2B कहा जाता है। और उसमें एक और आगे की म्यूटेशन है 3B, उसका भी आप आगे आगे जाके आपको उसका वीडियो में दिखाएंगे और उसका भी फुल फॉर्म आपको बताएंगे, पहले आप बर्ड देखिए फिर बाद में। चलिए दोस्तों दूसरी कॉलोनी में चलते हैं, आगे भी दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो 3B के बेर है, 3B ना देखिए, बहुत सारे सेपरेट केज में दोस्तों ब्रीड के लिए डाला है 2B को, प्रोग्रेस भी शायद होगी। तो दोस्तों एक और फिंच है, कौन सी फिंच है रोज लार हुए? फुल ऑरेंज, फुल ऑरेंज की पैर देख सकते हो दोस्तों आप, देखिए सब कुछ देखिए, कटल बोन भी दिया है और गर्मी के लिए दोस्तों, और लैम्प भी दिया है, क्योंकि फिंच जो है वो बहुत नाजुक सी होती है, उसको ठंडी बहुत ज्यादा लगती है फिंच को। देखिए ये सेटअप भी राहुल भाई ने पूरा कवर करके रखा है दोस्तों, आगे दिखाते हैं आपको नीचे भी, देखिए नीचे कौन सी फिंच है राहुल भाई? ये कौन सा? 2B क्रेस्टेड की पैर दोस्तों देख सकते हो आप, 2B क्रेस्टेड और फीमेल 3B की है, फीमेल 3B की है और 2B क्रेस्टेड का मेल है, देखिए
नीचे भी कुछ है लेकिन देखिए टू बी कस्टर्ड पूरी पैच टू बी कस्टर्ड की है। यहाँ पे टू ब्लैक की फीमेल है, नॉर्मल ब्लैक की फीमेल है दोस्तों, मेल टू बी का है। देखिए चलिए आगे दिखाते हैं दोस्तों आपको। तो यहाँ भी देखिए ये कौन सी पेयर है, ऑरेंज की फीमेल है दोस्तों, क्रस्टर्ड का मेल है। देखिए यहाँ भी यहाँ पे ऑरेंज की पूरी पेयर है दोस्तों। देखिए ये दोस्तों सभी जो है वो आप देख रहे हो, सभी सेल के लिए अवेलेबल है। कोई खरीदना चाहता है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो राहुल भाई को। देखिए आगे भी है यहाँ पे कस्टर्ड और ऑरेंज फीमेल, टू बी कस्टर्ड की मेल है और ऑरेंज का फीमेल है। देखिए सभी यहाँ पे थ्री बी का मेल है, टू बी क्रस्टेड की क्रस्टेड का मेल है। देखिए टू बी क्रस्टेड की फीमेल है। देखिए सभी सेल के लिए अवेलेबल है दोस्तों, कोई खरीदना चाहता है तो राहुल भाई को कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे भी यहाँ भी कुछ सभी होम ब्रीड के चिक्स हैं, आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा होम ब्रीड के चिक्स है ये सभी, ये भी सेल के लिए ही अवेलेबल है दोस्तों। तो कोई खरीदना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकते हो। और आलू भाई नंबर एक बार बता दीजिए आपका, 94-74-76 तो इस नंबर पे दोस्तों कांटेक्ट कर सकते हो राहुल भाई को। चलिए अभी चलते हैं दूसरी कॉलोनी की तरफ। और यहाँ भी कुछ फ्रेंड्स जो ये आप देख रहे हैं ये 3B का मेल है, उसकी जो 3B के पहचान है उसमें टेल मार्किंग जो जीब्रा टाइप होती है वो रहती है, उसका फेस पूरा ब्लैक रहता है चारकोल टाइप। और इसका पूरा नाम BF BCBB है, मतलब के ब्लैक फेस ब्लैक चीक ब्लैक ब्रेस्ट, मतलब के ब्लैक फेस उसका ब्लैक रहता है, उसकी चीक भी ब्लैक रहती है और उसकी जो छाती का भाग है वो भी ब्लैक रहता है। तो आप जो देख रहे हो 3B का मेल है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब दूसरी कॉलोनी की तरफ, दिखाते हैं और कुछ आपको। दोस्तों यह था राहुल भाई का पूरा जो फिंचेस का सेटअप, देख सकते हो लास्ट में हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, पूरी चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, देख सो खेत में बनाया है ये फिंचेस का सेटअप। आगे चलेंगे और भी आगे उस तरफ सेटअप है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों एक और कॉलोनी के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे दो फीमेल और एक मेल है ना, दो फीमेल और एक मेल है यहाँ पे। कौन से बता दीजिए रजनी भाई, कौन सी म्यूटेशन है ये? ये क्रीम क्रस्टर्ड है, एविपाइड सैडलबैक, एविपाइड सैडलबैक क्रीम क्रस्ट का है। और मेल है ना वो एविपाइड में है, पल मार्किंग, पल मार्किंग एविपाइड में। देखिए आप शायद देखा होगा तो सिंगल साइड ये उसका पल मार्किंग उस तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ शायद फीमेल है, अंदर बच्चे आए हुए हैं, फेस की फीमेल है, इसके अंदर पेस्टल फेस की फीमेल है दोस्तों। देखिए और तीन बच्चे निकले हुए हैं। देखिए बच्चे भी शायद दो इसके क्रीम ब्रश की या फिर आल्बिनो जैसे लग रहे हैं। चलिए दोस्तों ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं हम, चलते
देखिए अभी आपको प्रॉपर मार्किंग दिख रहा होगा दोस्तों, मैं स्मेल का दीजिए उस तरफ फिर से एट गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं दोस्तों हेलीकॉप्टर बजिस की कॉलोनी में। चलिए दोस्तों एक और कॉलोनी के अंदर हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी बजिस है रजनी भाई? हेलीकॉप्टर में है लुटिनो और वाइट में है, ब्लैक ही है, और नॉर्मल बजरीज भी है रेड आई में, उसमें अल्बिनो भी है और लुटिनो भी है। नॉर्मल और जो अल्पोली होगोरोमो में भी है और नॉर्मल में भी कुछ पीस है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो गोरोमो, और एक पीस पोकाटेल का भी है और ल्यूटिनो की होगोरोमो ल्यूटिनो में है देखिए, होगोरोमो क्रिमिनो देखिए दोस्तों उस तरफ है, बहुत कम देखने को मिलती है क्रिमिनो। देखिए कुछ प्रोग्रेस दोस्तों किसी में है तो देख चेक करते हैं हम, बाकी देख अभी कुछ टाइम पहले ही शायद ब्रीड में डाली है इसलिए कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो नहीं है दोस्तों इसकी। देख सकते हो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, दिखाते हैं और कुछ भी अगर है तो। चलिए जी दोस्तों, तो जिस बर्ड का आपको इंतजार था दोस्तों उस बर्ड्स को हम लेकर आ चुके हैं। देखिए ये कौन सा कोकाटेल है रजनी भाई? एमरल्ड की फीमेल है, एमरल्ड की फीमेल है दोस्तों। देखिए बहुत कम गुजरात के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों। फ्रेंड्स आप जो अभी बर्ड देख रहे हैं वो मोस्ट एक्सपेंसिव म्यूटेशन इन कोकेडियल एमरल्ड का है, वो भी एक फीमेल है। और साइड में आपको दूसरा बर्ड दिख रहा होगा वो बटरफ्लाई की फीमेल है, वो भी मिस मार्क है। लेकिन आप जो एमरल्ड देख रहे हैं वो शायद भावनगर में पहली बार किसी के पास होगा, और ये बहुत महंगा बर्ड है। और दूसरा उसका भी जो मेल है वो भी दूसरी जगह से आ रहा है, तो कुछ टाइम बाद आपको उसकी पेयरिंग भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों देखिए आपने गुजरात के अंदर शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगी यह कोकाटेल, जो कि भावनगर के अंदर आ चुकी है देख सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों हम। देखिए दोस्तों ये जो पीछे का कलर आप देख सकते हो इसमें आप शायद क्लियर दिख रहा होगा, हेमरल जो कलर आगे की साइड से बराबर नहीं दिख रहा था, लेकिन आप इसका कलर अब अच्छी तरह से देख सकते हो। देखिए बहुत ही एक्सपेंसिव बर्ड है दोस्तों ये, जो कि बहुत महंगा भी है, तकरीबन 40,000 का सिंगल पीस मिलता है दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों ये है बटरफ्लाई मिस मार्किंग, देखिए इसका भी अच्छा लुक आपको अभी दिख रहा होगा, पहले कुछ अच्छा आगे से आल्बिनो लग रहा था लेकिन यह है बटरफ्लाई मिस मार्किंग देखिए। तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो का यहीं पे ख़त्म करते हैं, पीछे आप देख सकते हो पूरा ग्रुप भावनगर का जो कि मेरे साथ पूरा सेटअप सभी के सेटअप विजिट करवा रहा है देख सकते हो, यह है भावनगर का पूरे यहाँ का पूरा ग्रुप देखिए। तो चलिए पीछे आप मनसुख दादा को भी देख सकते हो, आज तक वीडियो में नहीं आए हो लास्ट में आए हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं ख़त्म यहाँ पे, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नया सेटअप की तरफ। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।